हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्निकल लेजेंड चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो आजकल का ट्रेंड चल रहा है फेस ऐप का, लोग अपने पिक्चर से जवान से बूढ़ा बना रहे हैं, बूढ़े से जवान बना रहे हैं, तो उसी ऐप के बारे में एक न्यूज़ में देना चाहता हूँ। क्योंकि वो ऐप जो है वो ठीक ऐप नहीं है, उसको इंस्टॉल करने से आपका डेटा चोरी भी हो सकता है। अभी अभी मैंने न्यूज़ में पढ़ा, टीवी पर न्यूज़ आ रहा था जिसमें फेस ऐप के बारे में यही लिखा था कि फेस ऐप इस्तेमाल करना ठीक नहीं है, ये लोगों का जो डेटा है पर्सनल डेटा वो आपके मोबाइल से चुरा रहा है। इसलिए मैं पूरा श्योर नहीं हूँ कि किस तरह चुरा रहा है, लेकिन मैंने न्यूज़ में देखा और इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुँचे और इसी ऐप से अपने आप को दूर रखे। क्योंकि ये ऐप अगर आपका पर्सनल डेटा चुरा रहा है तो ये किसी भी मकसद के लिए चुरा रहा है और किसी भी मकसद के लिए वो यूज़ कर सकता है, तो इसलिए इसी ऐप को इस्तेमाल ना करें जब तक आप श्योर ना है कि ये रियल ऐप है। और ये व्हाट्सएप में भी अलाउ किया गया है, मतलब ये प्ले स्टोर में अलाउ किया गया है। इसके पूरा डिटेल भी प्ले स्टोर में होगा, लेकिन अभी अभी मैंने न्यूज़ में पढ़ा कि ये फेक ऐप है। फेक मतलब इस तरह का ऐप नहीं है कि मतलब ये लोगों का जो पर्सनल डेटा है वो आपके मोबाइल से चुरा रहा है, तो इसलिए इसी ऐप का पूरा कंफर्म कर लो, फिर इसी ऐप को यूज़ करो, इस्तेमाल करो। तो ये थी आज की वीडियो, और वीडियोस देखने के लिए टेक्निकल लेजेंड चैनल को सब्सक्राइब करें।